तो आज अपन बॉक्स करने वाले हैं यार AK-47। और ये गन यार काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये गन तो यार रियल नहीं है, बट यार ये टॉय भी नहीं है। अगर इसे किसी को शूट करते होते यार उसका हो जाएगा बुरा हाल। और यार इसे आप किसी ना ही किसी ह्यूमन को शूट करना और ना ही किसी एनिमल को। और ये आता है आपका नाइफ के साथ। तो चलो यार इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग एंड टेस्टिंग। तो ये रहे यार इसके पार्ट्स। तो चलो यार एक एक करके सबके बारे में बात कर लेते हैं। तो यार ये देख सकते हो इसका स्टॉक है जो कि यार गन के पीछे लगता है। और ये बना हुआ है प्लास्टिक का, कोई लकड़ी का ये नहीं बना हुआ है, प्लास्टिक का ही बना हुआ है। तो चलो अब बात कर लेते हैं यार इसकी। तो यार इसको तो स्कोप बोलते हैं, बट यार इसके साथ हमें लेजर लाइट भी देखने को मिलता है जो कि यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। टारगेट पे मारने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। और ये तो यार बुलेट्स है सबको पता है। तो चलो अब बात कर लेते हैं मैगजीन की। तो देख सकते हो ये मैगजीन है, भी बना हुआ है प्लास्टिक का। और देख सकते हो इसको रिलोड और फायर करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसमें से पीछे से बुलेट्स पड़ता है और फिर इसके अंदर सारे, इसको नीचे करके ऐसे करने पर सारे बुलेट्स इसके अंदर आ जाते हैं। तो चलो अब बात कर लेते हैं गन की। तो वाव यार गन तो पूरा बना हुआ है प्लास्टिक का। और यार अगर हम इसकी बात करें नाइफ की, तो यार ये भी बना हुआ है यार प्लास्टिक का ही, बट यार ये लग रहा है मेटल का, बट ये मेटल नहीं है। तो चलो यार डरने वाली कोई बात नहीं है, किसी को इसे चोट नहीं लगेगी। बस डरने वाली बात है यार बुलेट्स से किसी को चोट ना लगे। चलो यार सारे पार्ट्स को इसके अंदर फटाक से हम असेंबल कर लेते हैं। तो इसको असेंबल करना काफी ईजी है यार, बस सिंपल से पीछे ऐसे करना है और ये असेंबल हो जाएगा। वाव देख सकते हो यार असेंबल हो चुका है। तो गन तो यार काफी ज्यादा बड़ी हो गई असेंबल होने के बाद। तो चलो यार स्कोप को भी हम फटाक से यार इसके अंदर लगा लेते हैं। तो इसको लगाना काफी ज्यादा इजी है, बस सिंपल सा आपको ऐसे करना है और ये लग के तैयार हो चुका है। तो यार इसको ऑफ कर देते हैं हम। तो ये देख सकते हो यार पूरा लुक यार कुछ ऐसा देखने को मिलता है। वाव अगर इसको हम इसको बड़ा कर देते हैं ऐसे, तो वाव यार एकदम यार इसकी लुक यार एकदम असली गन जैसे है। वाव और देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट शूट ह्यूमन एंड एनिमल। तो इससे अंदाजा लगा सकते हो ये गन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अगर इसके हम फायर एंड रिलोड की हम बात करें, तो यार पीछे से दिया गया स्लाइडर, इसको आप पीछे करोगे तो यार ये रिलोड हो जाता है। सिंपल से ऐसे करोगे तो यार इसमें थोड़ा सा ताकत लगता है, कोई बात नहीं ऐसे होता है। तो चलो यार फटाक से इसके अंदर मैगजीन डालते हैं और फटाक से यार इसके अंदर बुलेट्स भी डाल लेते हैं मैगजीन के अंदर और दिखाते हैं यार आपको फायर करके। तो बुलेट्स तो यार इसके अंदर चला गया और इसको अंदर लाने के लिए यार इसके अंदर, इसके लिए आपको ऐसे नीचे की तरफ ऐसे करना पड़ेगा। और देख सकते हो ऐसे करने पर सारे बुलेट्स यार इसके अंदर आ रहे हैं। वाव देख सकते हो इतने सारे इसके अंदर बुलेट्स आ गए हैं। तो चलो अब इसको लगाते हैं फटाक से गन के अंदर। इसको लगाना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बस सिंपल से ऐसा करोगे, देख सकते हो ये इसके अंदर फिट हो चुका है। और यार अभी तक आप वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता, चैनल को सब्सक्राइब कर लो नीचे लाल कलर का बटन उसको दबा के, क्योंकि हम ऐसे अमेजिंग वीडियो सर हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं। और यार वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो मैं इसको फायर करके आपको दिखाता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा इसको पीछे स्लाइडर को ऐसे, और ये लोड हो चुकी है। तो चलो करते हैं इसको फायर करके। तो वाव यार बुलेट्स तो इसके अंदर चला गया। तो चलो करते हैं इसकी टेस्टिंग काफ़ी सारे और दिखाता हूँ यार आपको टेस्टिंग करके। तो यार गन तो यार तबाही मचा दिया, सारे सुपर यार गिर के ढेर हो गए। तो चलो अब करते हैं यार ग्लास टेस्टिंग। तो यार इस गन की टेस्टिंग तो आपने देख ही लिया। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें कभी कभी दो तीन बुलेट्स एक साथ फेंक दे रहा है और ये उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। जो पीछे में इसके एक अनबॉक्स किया था इससे ज़्यादा वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। तो अगर आप बाई करना चाहते हो तो इसको बाई मत करना यार, ये वर्थ नहीं रहेगा बाई करना, क्योंकि पावर भी कम है, दो तीन बुलेट्स भी एक साथ फेंक दे रहा है। और तीसरी बात यह है कि यार इसके साथ सिर्फ आपको 40 ही बुलेट्स देखने को मिलते हैं, 40 या 50, बट जो वो वाले एकेएम था यार उसमें आपको 500 बुलेट्स यार देखने को मिल जाते हैं। तो इसको बाई मत करना, उसको मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर उस गन को परचेस कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना यार बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस हमेशा लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब कर लेना और यार वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है काफी सारे और भी यार वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए बाय यार, मिलते हैं किसी ने ऐसे अमेजिंग वीडियो के साथ।